दुनिया में पढ़ने वाले सभी अभ्यर्थी एक अच्छा पद प्राप्त करके अपना जीवन सुरक्षित करना चाहते हैं। इसलिए कोई अभ्यर्थी डॉक्टर तो कोई वकील तो कुछ बीडीओ का पद प्राप्त करना चाहते हैं। बीडीओ का पद प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को अधिक मेहनत करनी पड़ती है और पूरी लगन के साथ इसकी पढ़ाई पूरी करनी होती है। बीडीओ विकास खंड का एक अधिकारी होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बीडीओ की फुल फॉर्म, उसकी योग्यता और उसके वेतन और उसकी परीक्षा की तैयारी कैसे करें इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाए बिना कहीं ना जाएं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बीडीओ के फुल फॉर्म की। दरअसल बीडीओ का फुल फॉर्म है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसका हिंदी में उच्चारण ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। इसके अलावा इसे हिंदी भाषा में खंड विकास अधिकारी या ब्लॉक विकास अधिकारी भी कहा जाता है। ये अधिकारी एक तरीके से विकास खंड का अधिकारी होता है, जिसका निर्माण अनेक पंचायतों को मिलाकर किया जाता है। इसका मुख्यालय को सामुदायिक विकास केंद्र कहते हैं। विकास खंड और सामुदायिक विकास केंद्रों के सहयोग से जन विकास से संबंधित जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की जाती है। ये एक सम्मानजनक पद है, जिसमें व्यक्ति को सम्मान के साथ साथ अच्छी सैलरी भी मिलती है। इसलिए यदि आप भी वीडियो के विशेष तरीके से अगर सारी जानकारी जानना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप करे बिना ही देखिएगा। वीडियो के लिए सबसे ज़्यादा शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए? वीडियो ऑफिसर बनने के लिए अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से मुख्य तौर पर स्नातक या पोस्ट ग्रेजुएशन में सफलता प्राप्त करना अनिवार्य है, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में सफलता प्राप्त कर रखी है वो ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बीडीओ बनने के लिए क्या एज लिमिट होनी चाहिए? दरअसल बीडीओ बनने के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। जिन अभ्यर्थियों की आयु 21 वर्ष और 40 वर्ष के मध्य है वो अभ्यर्थी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियम अनुसार और OBC को 3 वर्ष और SC/ST को 5 वर्ष के लिए छूट प्रदान की गई है। बात करें बीडीओ के सिलेक्शन प्रोसेस की, तो दरअसल दोस्तों इस पद को प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाता है, यानी कि आपका पहले इंटरव्यू होता है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होता है। सबसे पहले लिखित परीक्षा आयोजित की जाती है। इसके बाद लिखित परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। फिर होते हैं आपके, अब बात करें पैटर्न की, तो सबसे पहले प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है। बीडीओ पद के लिए लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसमें आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को शामिल किया जाता है। और अभ्यर्थी को इस एग्ज़ाम को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे दिए जाते हैं, जिसमें आपसे 2 पेपर पूछे जाते हैं। एक होता है जर्नल स्टडीज़ और एक होता है SCSAT। दोनों 200-200 मार्क्स के होते हैं और 150-150 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं इन दोनों पेपर्स में। अब प्रारंभिक परीक्षा पेपर 1 के पाठ्यक्रम में जर्नल स्टडीज़ में आ जाते हैं, जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व तथा वर्तमान की घटनाओं के बारे में जानकारी, हिस्ट्री और भूगोल, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल हो गया, साथ ही हमारा एनवायरमेंटल हो गया और सामान्य विज्ञान हो गया, इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रीलिम्स के अंदर सेकंड पेपर जो होता है CSAT का, उसमें भी आपसे रीजनिंग से रिलेटेड मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग, कम्युनिकेशंस और 10th क्लास तक की जो मैथ्स होती है और इंग्लिश और हिंदी से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेंस एग्ज़ाम जो होता है वो प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लेने वाले को मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाता है। इस परीक्षा में 4 अनिवार्य प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं, जिसके अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा चुने गए 2 वैकल्पिक विषयों में 4 क्वेश्चन पेपर आएंगे और अनिवार्य प्रश्न पत्रों में सामान्य हिंदी, यानी हिंदी आपके जो कंपलसरी पेपर होंगे वो, साथ ही आपको निबंध जो 150-150 मार्क्स के होते हैं और बाकी आपका जो होता है वो ऑप्शनल होता है। अब आपसे हम बात करें कि इसके बाद क्या होता है। इसके बाद दरअसल दोस्तों इंटरव्यू होता है। जो अभ्यर्थी दोनों परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर लेते हैं उन अभ्यर्थियों को अंतिम चरण में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, जिसमें अभ्यर्थी से योग्यता और तर्क शक्ति जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आपको प्रदर्शन के अनुसार इस पद के लिए नियुक्त किया जाता है। इसके पश्चात लोक सेवा आयोग द्वारा मेरिट लिस्ट जारी की जाती है।
बात करें कि एक सवाल आता है लोगों के पास कि आखिर में BDO को कितनी सैलरी मिलती है। दरअसल दोस्तों BDO को अर्थात खंड विकास अधिकारी को प्रतिमाह 9300 से 34,800 रुपए तक वेतन प्राप्त मिलता है। इसके साथ साथ उसे अन्य सरकारी सुविधाएं भी मिलती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको BDO के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी उपलब्ध कराई है। अगर इससे रिलेटेड आपका और भी कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।